जा रहे। ए पथला, अरे विजय क्या हुआ? जिंदा है तो हॉस्पिटल ले चलते हैं। छोड़ ना, बड़ा रिस्की मामला है, चलते हैं यहां से। शट अप, उठाओ यार।
श्रीमान, दीक्षांत परेड खत्म हुई। निष्क्रमण के लिए आज्ञा प्रदान करें। थम्स अप किस लिए? अपने बॉस के लिए, वो शराब नहीं छूता। हेलो बॉस। हेलो सर। मीट माय डॉटर। हेलो। हेलो। डैडी हमेशा आप ही के गुण गाते रहते हैं। आप मुंह खोलते हैं तो नो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। अरे किशन देव और उसकी बेटी बॉस साले की बड़ी तारीफ कर रहे, देख तो। सुना है आपकी पोस्टिंग बॉम्बे हुई है। ओनली थम्स अप फॉर हिम। वेट लेकर मैं चलता हूं। ओके। इसमें क्या है? थम्स अप। तू शराब नहीं पीता मैं जानता हूं। क्यों यार, किशन देव और उसकी बेटी तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बचा तू खोका बचा लो, हाँ चाल लो नैनो का जादू, हाँ जादू रात हसी उस पे जवा मैं और तू। ओ छला बाबू, ओ बाबू दिल को बचा तू खोका बचा लो, हाँ चाल लो नैनो का जादू, हाँ जादू रात हसी उस पे जवा मैं और तू ओ छला बाबू, ओ बाबू दिल को बचा तू इन सांसों को मैं कैसे संभालूं, ओ बहकी इन सांसों को मैं कैसे संभालूं, दिल चाहे तुझको अपनी धड़कन में छुपा लूं। बाहों में ले लो, जुल्फों से खेलो, मुझे छू लो मैं प्यासी हूँ जाओ तुम, हो गया मैं तेरा ही दीवाना, तेरी एक नजर का ये दिल हो गया है निशाना। ना सता मुझको यू। ओ छला बाबू, ओ बाबू दिल को बचा तू हुका अब चालू नैनो का जादू। जादू मुझ पर ऐसा छाया है, आ, 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 तेरे हुस्न का जादू मुझ पर ऐसा छाया है, ये दिल परवाना बनकर तुझ पर मंडराया है। मैं साथी तू जाम, ये गुलाबी हसी शाम कर दूंगी, हाँ तेरे
छू के तो हो गया मैं शराबी। रंग ले जिंदगी तू चुरा ले लबों की ये लाली। आ मेरी चुस्त जू धिनक धिन। उठे लबाबू ओ बाबू दिल को बचा तू बचा तू। भूखा अब चालू बचा तू बचा तू होगा अब चालू हजालू मैंने का जादू। खा लो ना बेटी। नहीं चाहिए मुझे। रमा बेटी थोड़ा थोड़ा सा खा लो ना। मुझे भूख नहीं डैडी। चिन्ना साहब बुला रहे हैं। लेबर मिनिस्टर के बारे में मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। हमारे यूनियन के सभी लोग उन्हें सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं है। उनका लीडर हूं लेकिन मेरी बात वो नहीं सुनते। उसने वर्करों के साथ बड़ा अन्याय किया है। उसने हमारे एमडी से बहुत रुपया ऐंठा है। इसके पूरे सबूत यूनियन ऑफिस के पास है सर। हमारी सपोर्ट से जीत के वो हमारे पेट पर लात मार रहा है सर। आप इस मामले में ना पड़े तो अरे कोई है बचाओ बचाओ। उन्हें छोड़ दो। मेरे पति को कोई अगर गवाही देगा तो मैं उसका यही हल कर दूंगा। हेलो हेलो कौन चाहिए? बाकेलाल एंड कंपनी। क्या अबे क्यों बाकेलाल एंड कंपनी पूछ रहे हैं? कन्या मिलेगी? अच्छा तो कन्या चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। तुझे सुंदर कन्या चाहिए? बदसूरत नहीं साले। ये कोई सप्लाई कंपनी है? मैं तुझे भड़वा लग रहा हूँ। रिस्पेक्ट करना सीखो। ओह तो तुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए उल्लू के। फोन रखता है कि नहीं? रख फोन रख साले। इन रॉन्ग नंबर से तू जान ले ली मेरी। कोई पेट्रोल पंप समझता है तो कोई मटन मार्केट पूछता है, कोई गोकुल एक्सप्रेस कब छूटेगी पूछता है, कोई कन्या पूछता है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। अब तो हद हो गई है भगवान। फोन बदलने को कहे तो हमारे राधे श्याम जी कांटे बिच्छू की तरह ऐसे वैसे सर घुमाते हैं मगर करते कुछ नहीं। मैं तो मर जाऊंगा। नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब जी। नमस्ते जी। अरे सतीश राधो कहाँ गया रे? उनसे क्या काम जी? अगर उनसे नाता जोड़ा तो क्या काम से? राधो तो हाथ में ही स्वर्ग दिखाते हैं। तेरा तो बड़ा ख्याल रखता है वो। क्या बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा? पता नहीं आपको घोड़े की तरह काम करवा के महीने भर 500 हथेली पर रखते हैं। फॉरेन विस्की के साथ चवन्नी के चने चबाते हैं वो। वो घर में है? बिल्कुल है जी। सो रहा है क्या? रामकली नाम की एक औरत है। मेरे साथ साइकिल पर जब शराब बेचते थे तब से उस डाइन के जाल में फंस गए जी। फंसना भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी तरह डूब के गिल गिल गोता लगा रहे। सुनो जी उस पे हजारों रुपए लुटाते हैं मगर मुझसे तो जी खूब काम करवा के कुछ देने का मन ही नहीं करता उनका। इतने खड़ूस हैं जी वो। सतीश सतीश। अरे वो आ रहे हैं। सुनिए मैंने जो बोला उन्हें मत बताइएगा वरना उनका हार्ट फेल हो जाएगा। मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ। साहब आए हैं मिलने। नमस्ते नमस्ते।
कितना समय हुआ आए? अभी अभी क्या हुआ मेरे काम का? अभी हो जाएगा हो जाएगा, पकते हैं। क्या रे, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ बाबूजी, असली बात पढ़ना चाहिए। वो यूनियन लीडर हमारे रास्ते में ना आया तो मर जाएंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये काम मैंने अपनी चिन्ना को सौंप दिया। सतीश जरा बीपी की दवाई दे रहे। हो गया इनका बीपी शुरू, भाई का नाम ले तो प्रेशर, बीपी तो है ही होगा ही। तुम्हारा मतलब जिसके मुंह पर निशान है? हाँ। उसे क्यों भेजा भाई, वो तो पागल आदमी है। पागल तो है ही वो, ऊपर से हकला। पागलपन का दौरा पड़ गया तो वो उस यूनियन लीडर को मार देगा और हमें मुसीबत में डाल देगा। चुपचाप मेरा काम खत्म करने को कहा था, अगर उसने कुछ कर दिया तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। उस हकले को क्यों भेजा? कौन है पागल, कौन है अकला? अच्छा बता काम हुआ? बोस आईपीएस। बजे जो बस आने वाली थी वो रात को 1 बजे आई है। कहीं कोई ऑटो या टैक्सी नजर नहीं आ रही और ऊपर से बारिश भी आने वाली है। फिर तुम्हें जाना था तो आधी रात को क्यों आए हो? आइए ड्रॉप करता हूं। चलो बहन, तू कहां चल रही? क्या मामा जी? मेरी पोती को कोई पुलिस वाले उस जीप में उठा कर ले गए। चल। शिवराम। क्यों, कोई मुसीबत आन पड़ी है? आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर हो, जानते हो वो कौन है? यूथ लीडर, ऊपर से एमपी साहब का बेटा। अगर वो चाहे तो 5 मिनट में सस्पेंड हो जाओगे। चुपचाप दफा हो जाओ। सुनो भाई, तुम भी हमारा साथ दो ना। क्यों हिम्मत है? चुप कर। तेरे जैसे लुच्चे लोग डिपार्टमेंट में है तभी तो पब्लिक में पुलिस वालों की इज्जत कम होती जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए शर्म नहीं आता ऐसे काम करते हुए? क्यों, पुलिस वाले रेप नहीं कर सकते, ये कानून में लिखा है। नहीं ना, छोड़ो। लड़की क्या तुम्हारी बहन है? है तो बोलो। सेम डिपार्टमेंट है इसलिए मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये तो रेप करेगा भाई। हाँ Oh!
उसका क्या संबंध है जो उनसे कंप्लेंट लेकर केस बुक कर रहा है? कौन है वो? ये आज ही आए हैं ड्यूटी पर, एसीपी बोस। घर को सर पे उठा रखा है इन दोनों ने, जरा सी देर सोने भी नहीं देते हैं। अरे नैन, ऊपर रखा हुआ टेप रिकॉर्डर कौन लाया यहाँ? मैं तो नहीं लाई माँ। मैं भी नहीं जानती। शैतान के बच्चे, अब कब सुधरेगा तू? कल सुबह परीक्षा देनी है और तू डांस करता है रे। परी माँ, औरतों के सामने मत डांटा करो, आपको 100 बार समझाया मैंने। अरे चुप, इतना सा है और गुस्सा देखो आँखों में। परी माँ, लेडीज चुप कर। मुर्गा चोरी करने वाले जैसे क्या घूरता है तू? अरे 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 मान जा, मुंह जले। बस डांटो तो, कुछ ना कुछ सामान तोड़ देता है तू। तेरी वजह से पूरे घर की चीजें बर्बाद हो रही। ओह, तो ये तेरी करामात है, तू ही इसको बिगाड़ रही है। अरे ताड़ की तरह बढ़ रही है, पर क्या फायदा, असल में तुझे ही मारना चाहिए। कहाँ भागती है तू? रुक तो सही, भागती कहाँ है बताती हूँ तुझे। छोड़ दो मां, कहाँ भाग रही है? रुक। बोस आ बेटा। क्यों माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ, तुम सबके होते मुझे क्या होगा, बहुत अच्छी हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। बेटा, तुम इतने बड़े अफसर हो गए, आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो कितने खुश होते। अरे ये क्या माँ, भूख लगी है। अरे अरे, वो उसको देखकर खुशी के मारे ये बात ही भूल गई बेटा। ममता, खाना परोसो। आओ। मैंने खाना परोसने को कहा, तू खड़ी है। मुझे शर्माती है माँ। क्या तुझे शर्माती है? अरे आज तक तो नहीं देखा शर्माते, मर्दों की तरह तो उछलती कूदती रहती है, अचानक शर्म कहां से आ गई? अरे बोस को तो तू बचपन से जानती है, परोसो। बोस अंकल के बारे में रोज बहुत बातें करती थी, अंकल से मैं शादी करूंगी भी बोला करती थी ना। सेल ओपन करो। तुम ही से बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं समझते क्या? उन्हें छोड़ दो। सर, एसीपी बोस साहब का हुक्म है, कोई भी बोले मत छोड़ना। वो कौन होता है, बिना कुछ सोचे ऐसे महान लोगों को लॉकअप में डाल दिया तो उसके सर से टोपी उतर जाएगी, बोल देना। रात भर लॉकअप रहा, अब आ रहे हो। हेलो सर, मैं मनमोहन बोल रहा हूँ, डीसीपी साहब ने यूथ लीडर और इंस्पेक्टर साहब को रिलीज कर दिया। कोई भी कहे छोड़ना मत, बोला था ना मैंने? हाँ मैंने बोला था सर, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और छोड़ा कर ले गए। Thank you.
बॉस, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? डीसीपी का घर कहाँ है? मेरी बेइज्जती हुई है, मैं नहीं पीऊंगा शराब। बेइज्जती तुम्हारी? छोटे ऐसी वैसी वीकनेस हो तो ऐसे ही होता है, छोकी देखी तो बस छोड़ते ही नहीं उसको। अरे इसे देखो, जब देखो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। चुप कर बीच में। मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ। साहब जी को जेल में डालने वाला वो कौन होता है जी? आए? यही तो मैं पूछता हूँ, मुझे लॉकअप में डालने वाला आखिर वो है कौन? हमने रूल्स तोड़ के आपको बाहर निकाला है बनर्जी साहब। मैं पूछता हूँ हमारे प्रेस्टीज का क्या होगा? पावरफुल यूथ लीडर, ऊपर से आप एमपीजी के बेटे हैं, इन्हें अंदर बंद कर दिया। आप थर्ड वे केसीपी है, वो समझता क्या है? मुझे भी तो अंदर बंद किया जी। है चुप बे, तेरी औकात क्या है? ये नौकरी चली गई तो लिंकिंग रोड पर खड़े होकर चनावारम बेचेगा तो भी कोई नहीं पहचानेगा तुझे, मगर हमारे यूथ लीडर की पोजीशन पर फर्क पड़ेगा। मैं डैडी से दिल्ली बात करूंगा, उसका ट्रांसफर करवा के छोड़ूंगा। ये हुई ना बात। देखो बाबू, कानून को अगर हमने अपने हाथों में रखा तो एक एसीपी ही क्या, पूरे शहर को ही 6 आने में अमेरिका को बेच सकते हैं। हेलो, बैठे हैं। आप कौन है? प्रेस वाले। हेलो, क्या है? शराब विरोधी यूनियन वाले। खूब लिखो, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। खेलने जा रहा है मुझे। बोस, छोड़ दो। नो, मैं कहता हूँ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़े ऑफिसर के नाते बोल रहा हूँ, इन दोनों को छोड़ दो। बड़ा ऑफिसर होने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर हाथों में लेने के लिए अपने बाप की जागीर समझ रखी है आपने क्या? यू बोस, मुझ पर हाथ उठाता है तेरी तो बोस। बास्टर्ड। सॉरी, वेरी सॉरी, इतने शॉर्ट टेम्पर वाले तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं। अरे डीसीपी को पकड़कर चोरों की तरह मारना शुरू कर दिया तुमने। डीसीपी हो या कोई भी हो, गुनहगार को पनिशमेंट मिलेगी, अंडरस्टैंड? जो गलती करेगा उसे सजा देने के लिए कानून कोर्ट जब है तो तुम कौन होते पनिशमेंट देने वाले? शिवराम, उस रोज उस बेचारी लड़की को तुम्हारे सामने रेप कर रहे थे तो कानून कोर्ट वगैरह है, हमें क्या लेना बोल के मुझे क्यों नहीं रोका? क्योंकि आज डीसीपी से लफड़ा हुआ है, वो हमसे बड़ा ऑफिसर है, तुम्हें कानून और कोर्ट याद आ गया क्यों? अगर दोषी को सजा देने की हिम्मत कानून और न्यायालय में होती तो गुंडे बदमाश एमएलए बनके असेंबली में ना बैठते, गुंडों को मेंटेन करते हुए बॉम्ब सप्लाई करने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं होते। गुनाह करने वाला आईएएस हो या आईपीएस हो, एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी हो, चमड़ी खींच लूंगा। इसका मतलब तुम नहीं बदलोगे? यस, नो कॉम्प्रोमाइज। रामकली मैं के चली। रुक क्यों गया? नहीं जी, कहानी का इंटरवल हो गया जी। छोटे कहीं के, हाँ बोलता हूँ जी। आगे फिर जी, मोहिनी के रूप में आए विष्णु भगवान को भस्मासुर ने देखा और मोहित हो गए कन्या समझकर जी। क्या छोटे, जब वो उसके जाल में फंस गया जी तो उसका हाथ अपने सर पर रखा तो कोयली की तरह चल गया। क्या रे? देखो जी, मच्छर कितनी देर से काट रहा है आपको, भला मैं कैसे बर्दाश्त करता जी? अब उस सर पल दो। कहानी का निचोड़ यह है कि मन में बुरे विचार हो तो आप जैसे लोग ऊपर आ ही नहीं सकते जी। बोला? कुछ नहीं, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ। शेषनाग जी आ गए जी। नमस्ते सर। क्या भाई, क्या बात है? उन सारी लंबी बिल्डिंग्स के बीच ये तुम लोगों की 25-30 झोपड़ियां कबाब में हड्डी की तरह वहां अड़चन डाल रही है, और वो अमीर लोग तुम गरीबों को भीख मांगे बोलते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। खाली करने को कहा तो तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं। ये कैसा न्याय है? हमारे घरों के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और जगह के दाम बढ़ गए तो हमें क्यों खाली करने के बोलते हो? वो हमारी धोखे से हथियाई जगह नहीं है, मेहनत मजदूरी की कमाई है। खाली नहीं करेंगे आप लोग? क्यों करें खाली? हम नहीं करेंगे। हफ्ता भर टाइम देता हूं, खाली नहीं किया तो तुम लोगों को मैं इस दुनिया से खाली करवा दूंगा। दबाओ जाओ। ये लो बेटा, भगवान का प्रसाद। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। सेम टू यू नेम।
तुम भी शेखन करके बोलो ना। ये क्या बकवास कर रहा है तू नटखट? नए साल में डांट खाएगा तो पूरे साल भर तू डांट खाता रहेगा। अंकल मेरी आंटी सुंदर है ना, क्यों? गुड लुकिंग गर्ल। सुंदर तो है। बैठो ममता। मुझको बोल रही थी बात करनी है, बैठे और बात करो। मैंने कहा था ना पसंद आओगी, अभी तक ठीक से मैंने देखा ही नहीं। तुम बोल रही थी, अब देख लो। ममता कॉफी लो ना। छिपकली। बड़ी माँ नए साल के दिन उन पर गिरी है, साल भर गिरती रहेगी, क्यों? लक्की फेलो। लगी 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 मेरे दिल में कैसी अगन ओ सगन, जगी 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 मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन। लगी 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 मेरे दिल में कैसी अगन ओ सजन, जगी 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 मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन। तो क्या मेरा होगा तू या नहीं ये बता, मन पे कान छा जाए ये दिल किस दिल पे आ जाए क्या जाने कोई। लगी 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 मेरे दिल में कैसी अगन ओ सजन, जगी 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 मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन। तेरा देखा तो बहल गया दिल मेरा, तू फरार तू बहार, तुके तुके तेरा हो गया ये दिल, लंबी लंबी आंखें खो गया ये दिल। जगी जगी मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन, क्या मेरा होगा तू या नहीं ये बता, मन पे कान छा जाए ये दिल किस दिल पे आ जाए क्या जाने कोई। लगी 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 मेरे दिल में कैसी अगन ओ सजन, जगी 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 मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन। लाली ने रंग भर दिए क्या क्या, तेरी एक चाहत ने काम कर दिए क्या क्या, तू अदा तू वफा सताती है तुझको ओ, क्या कमी मेरी, रात सारी जागू यादों में मैं तेरी, मन पे काम छा जाए ये दिल किस दिल पे आ जाए
जाने कोई जग 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 जगी मेरे मन में तेरी लगन ओ सजन। सपनों में खो गई? ए, वो छिपकली दे दे, उसे फ्यूचर में काफी काम लेना है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। अरे भाई भीख मंगे पहुंच गए परेशान करने। नमस्ते नमस्ते। क्यों सतीश, क्या हो रहा है? होना क्या है जी चुट्टा, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ, यानी सच बात यह है तुम लोग चंदा लेने के लिए आए हो ना। राधे श्याम जी बाहर गए। कहाँ गए वो? कहाँ क्या जी, उन्होंने शादी वादी तो की नहीं, लौंडियों के पीछे घूमते फिरते हैं। अगर वो एक वीकनेस ना हो तो जी उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखो वो आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या बात है आज इस तरह? पहली तारीख है ना, पहली तारीख को 5,000 देना इनकी वीकनेस, भीख मांगना उनकी वीकनेस, घूरते क्यों हो, दे दो ना जी। क्या रे? कुछ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ राधे श्याम जी, हमेशा की तरह पूरे 5,000 दे दूं क्या? दे दे, रुको, उसमें 9 गड्डिया है तो एक इनको देगा तो 8 और बचेंगे। ठीक है, चुट्टे मुझ पे शक मार लूंगा सोचता है, वो अपना हिसाब करते रहेंगे, मैं अपने हिसाब से मारता रहूंगा। हेलो मंत्री बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, कैसे हो भाई? पालनी खाली हुई? क्या काम हुआ? छोटा भाई उसी काम में लगा हुआ है, कल शाम तक हो जाएगा। नहीं तो बोल क्या होगा, हम खुद जाएंगे तब काम हो जाएगा। हाँ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, देख बबुआ, देख बबुआ। वो है क्या? कौन? वही हमेशा सीरियस मुंह बनाए, चेहरा लाल रखता है तुम्हारा मालिक बोस। अच्छा, जरा इज्जत देकर बात कराओ ना। अच्छा, इज्जत देना हमको नहीं आता। हाँ सुनो, तुम्हारा साहब इतना सथा जब से जानती हूँ। हमारा साहब ऐसा थे का? आला ला 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 ला। नहीं, ये हमारा साहब नहीं, कहाँ से उठा लाई? उठा नहीं लाई, ये बोस है, बोस को मैं बचपन से जानती हूँ, समझे? ऐसा का? और नहीं तो क्या, जब बोस छोटा था वो मेरे नाम से डर कर भाग के छुप जाता था, मुझसे कांपता था। जब वो मेरी बात नहीं मानता था तो मैं खूब पिटाई करती थी, बैठ के रोता था। हमारा साहब का? हम नहीं मानत। मानो तो मानो, नहीं तो जाओ। जब भी देखो उसकी नाक बहती रहती थी, बगैर निकर के घूमता था वो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बुद्धू की तरह फिरता था। उस जैसे को रात दिन मेहनत करके मैंने पास बिठाकर पढ़ा लिखा के इतना बड़ा ऑफिसर बनाया। मेरा कहना माना तभी तो बड़ा ऑफिसर बना। जब मैं उस बोस को यूं आग दिखाती थी तो वो घबरा के ये क्या है ये तुमसे बहुत डरता था मैं? नहीं, तुमसे मैं ही डरती थी, मेरी ही नाक बहती रहती थी, जब पढ़ती नहीं थी तो मारते थे। जब झूठ बोलती थी तो क्या करता था? उठक बैठक लगवाते थे। तो लगाओ। जगह खाली नहीं करोगे? है
क्या? तेरी पोती है क्या? बाबूजी उसे छोड़ दीजिए, सब हम खाली कर देंगे, उसे छोड़ दीजिए, हम खाली कर देंगे, आज ही खाली कर देंगे, उसे छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल हम खाली कर देंगे, छोड़ दीजिए साहब, हम जरूर खाली कर देंगे, जरूर खाली कर देंगे, प्रिंसिपल हम जरूर खाली कर देंगे, प्रिंसिपल कर देंगे, प्रिंसिपल ये जहरीली शराब की मौतें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा दिखाएंगे, लेकिन जहरीली शराब जबरदस्ती पिलाकर इन सब लोगों को मारा है। दया करके जो हकीकत है वो इन शवों के साथ समाधि मत होने दीजिए। आप बताइए सच्चाई क्या है? इस जगह को हड़पने के लिए मौत का घाट बनाया जिसने, उस दरिंदे का असली रूप जो है उसे सरकार तक पहुंचाने का सबूत मैं आपको दूंगा। जो मर गए हैं उनके साथ तो हम न्याय नहीं कर सके, कम से कम इन लोगों को तो उस दरिंदे से बचा लीजिए और उसे सजा दिलवाइए प्लीज। रात कॉलोनी में हमारे लोगों ने उन लोगों को मारा था ना, उस वारदात के फोटो रवि ने निकाले हैं। रवि कौन है भाई? प्रेस रिपोर्टर। उस जगह को खाली करवाने में किस किस का हाथ है, खाली क्यों करवा रहे हैं, उसके लिए आपको कितनी पेटी सुपारी दी गई, रवि सब डिटेल्स लेकर इवनिंग न्यूज में देने जा रहा है और एसीपी बोस उसको पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। एसीपी बोस क्या? वो तो बड़ा पावरफुल ऑफिसर है। मैं तो उसी दिन से बोल रहा था ऐसे लफड़े मत करो, पर मानता कहाँ है ये चिन्ना? ओफो, मेरी बात नहीं सुनता। जब देखो मर्डर मर्डर मर्डर, हमेशा मर्डर्स करता रहता है। मर्डर करना भी है तो गुपचुप करना चाहिए ना? नहीं भाई, ढोल बजा के मर्डर। अब क्या हुआ? होना क्या है, सर्वनाश हो गया। रंगा और बिल्ला के बाद एक तू ही महान किलर है, फोटो पेपर में डालेंगे। उस कॉलोनी के लोगों को किस तरह तूने मौत के घाट उतारा है वो सब लिख के पुलिस वाले तुझे हथकड़ी पहनाकर बंद करेंगे। ए, क्या लिखा तूने? सच्चाई लिखी है, उस कॉलोनी वाले को मारा नहीं, यूनियन लीडर का मर्डर किया। मारा है तो क्या लिख देगा? लिखूंगा, मेरी मर्जी, होते कौन पूछने वाले। गेट आउट फ्रॉम हियर। हेलो, कौन? राधे श्याम जी, मुसीबत आ गई। आपके भाई ने उस फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट का खून कर दिया और
एसीपी बोस को पता चल गया, वो चिन्ना को अरेस्ट करने आ रहा है, उसे किसी तरह दफा कर दीजिए, कल कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मंगवा लेंगे। छोटे, ए, ए नालायक, सुअर कहीं का, ना समझ, सारे काम उल्टे करता है तू। देखो, तूने जो हरकतें की, सब कुछ पुलिस वाले जान गए हैं। एसीपी बोस तुझे अरेस्ट करने यहाँ आ रहा है। क्या करेगा देखता हूँ। क्या देखेगा, वैसे ही चेहरा बेड़ा हुआ है। मेरी बात मान, चल, आजा, चलो। छोड़ो मुझे। जब तक मैं ना बुलाऊं, छोड़ो, अंडरग्राउंड हो जा, चलो, जाओ। ए, मेरी इजाजत के बगैर मच्छर भी अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? चिन्ना कहाँ है? यहाँ नहीं है। कहाँ है बोलो? नहीं मालूम। रुको। ए, चिन्ना कहाँ है? नहीं जाना, फूट यहाँ से। ए, क्यों मरते हो? कहाँ है? सच बोलता हूँ, नहीं। मार डालूंगा। अबे चुप। क्या हो रहा है, है? मैं कहता हूं अपने भाई को सरेंडर कर दो वरना। क्यों, उसने क्या किया? खून किया है उसने। राम राम, मेरे भाई ने खून किया? मैं नहीं मानता, वो तो गांधीवादी है। हमारे पास सबूत है, चुपचाप हमारे हवाले कर दो। ए, क्यों मिन्नतें करते हो? चिन्ना कहाँ है? तेरे भड़कने पर डर जाऊंगा ये सोचने के लिए मैं कोई तेरा कांस्टेबल नहीं हूँ। तुम लोग मेरे इलाके में आए हो, वो भी वर्दी पहनकर पहली बार, ये आंखें मत दिखाओ। मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ, हाथ पैर कटवा के सेम डिपार्टमेंट में ही केस नहीं होने दूंगा और रुपया पानी की तरह बहा दूंगा। बॉस, नो। मुझे मारोगे? मारो, हिम्मत है तो चलाओ गोली। Come on, man, shoot me! Come on! Boss! Boss! Control yourself! तुम आदमी नहीं हो, जानवर हो। रुपया कमाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो? बेचारी गर्भवती को ही मार दिया। छिछी,
बोलो, यहाँ केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे। तुम्हें मेडिकल कॉलेज परमिशन मिले तो तुम इन करोड़ रुपयों को भूलकर हमारी प्रेस्टीज का ख्याल करोगे। क्या 50 लाख से काम चल जाएगा? भूल जाओ, वो आप क्या सुनेगा तुम्हारी? चुप कर। ओके, फिर मिलेंगे। मंत्री जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा, हमारे चिन्ना को अरेस्ट कर लिया। आप अगर चाहें तो उसे बेल पर छुड़ा सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं। हाईकोर्ट जज अपना आदमी है, तुम्हारे भाई को फांसी की सजा ना पड़े मैं उसे बोल दूंगा। कम से कम उम्र कैद होगी। उम्र कैद होगी? और कुछ नहीं कर सकते हम। और कुछ नहीं कर सकते मतलब? वो जगह आप ही ने तो हड़पने के लिए खाली करवाने को कहा था और उसने आपके लिए ही खून किए। कर लो बात, कल बोलोगे सद्दाम हुसैन और क्लिंटन के बीच मैंने झगड़ा करवाया। वो भी करवाओगे तुम, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। सुनो, मुझे कोई अराघर आदमी मत समझना, मैं तुम्हें राजनीति में आके मारूंगा। गुंडे मवाली हो तुम, क्या जानो राजनीति? क्या जानता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा, इलेक्शन में खड़े हुए बिना, असेंबली में बैठे बिना, राज्य के राजनायकों को अपने हाथों में रख के सबसे बड़ी पदवी पर लौटूंगा। याद रखना। कहिए, क्या प्रॉब्लम है? आफत। हाँ जी, आफत। क्या बोले? आफत? मैं आफत हूँ? मुझको बेल दिलवाना है, काने बोलत? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उस वर्कर्स कॉलोनी में सिक्योरिटी क्यों नहीं अरेंज किया आपने? असेंबली के आगे ऑपरेशन वाले धरना कर रहे थे इसलिए वहाँ। ये सब बेकार की बातें हैं। जजमेंट के ऑर्डर्स जब तक नहीं आते सिक्योरिटी कॉलोनी से मत हटाना बोला था ना। इंस्पेक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में इतना सुंदर नौजवान भी है क्या? चाकू धार की तरह तेज। चाहे कुछ भी करो तुम, 1 घंटे में सिक्योरिटी वहाँ होनी चाहिए। सर, पुलिस वाले इतना स्ट्रिक्ट हो जाए तो हम जैसे को कौन बोलोना। चुप रहो। तुरंत अरेंज कीजिए। यस सर। तुम चुप नहीं रह सकती मेरी आफत। तुम मेरी क्लाइंट क्या हो? आफत हो, मुसीबत हो। ये मेरे बीवी बच्चों की बदनसीबी है। काय भाऊ, ऐसे बिना लिंक के बात करते हो? आज टाइम खराब है मेरा तभी तो। अगर भगवान इस एसीपी जैसे जबरदस्त नौजवान से मेरा टाका जोड़ दे तो मेरा नसीब ही खुल जाएगा। आ, 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 लगी अगन जैसे मेरे तन मन में, जैसा हुआ रोग मुझे सोल वैसा वन में पिया। लगी अगन जैसे मेरे तन मन में, जैसा हुआ रोग मुझे सोल वैसा वन में पिया। मेरी जवानी तेरे लिए है, ये जिंदगानी तेरे लिए है। आ, आ, पिया। आ,
समझना, सोचना और समझाना। आजा तुझे मैं सब कुछ समझा दूं, प्यार की भाषा मैं तुझको सिखला दूं। सब्र की ये इम्तिहान है, प्यार का ये इम्तिहान है। आ ओ पिया, आह 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 आह। लग लिए अगन जैसे मेरे तन मन में, कैसा हुआ रब मुझे सोले में सावन में पिया। लगी अगन जैसे मेरे तन मन में, कैसा हुआ रोग मुझे सोले वे सावन में पिया। सभी गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए मुद्दई चिन्ना ने जर्नलिस्ट किरण की हत्या की है, अदालत को विश्वास हो गया है। वर्कर्स कॉलोनी में जो हत्याएं हुई उसमें भी मुद्दई चिन्ना का ही हाथ है, यह भी अदालत को पता चला है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302 के तहत मुद्दई चिन्ना को ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये लो बेटा, तुम्हें प्रमोशन मिलने पर हम सबको बड़ी खुशी हुई है, पर पूना ट्रांसफर हुआ है सोच के घबराहट हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही है अंकल। तुम जाके सो। हाँ देखो बेटा, दूर तो जा रहे हो पर प्रमोशन मिला है, तुम्हारी तरक्की हो रही है, यही खुशी है। हाँ भाई, इसकी बड़ी तरक्की हो रही है, प्रमोशन काम से नहीं दिया इसे। जिस पे देखो टूट पड़ता है, छोटे बड़े की परवाह नहीं करता, इसीलिए प्रमोशन के नाम पर इसका ट्रांसफर दूर कर दिया है। जानता हूँ प्रमोशन क्यों दिया है, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। जानते हो तो ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? कैसा बर्ताव किया मैंने? कैसा बर्ताव मैं बताऊं? तुम्हारे साथ अगर मैं ना होता तो दो चार मर्डर्स तो कर दिए होते। उस दिन आते ही एसआई गोपाल को मार डाला होता, दूसरे दिन डीसीपी को ही मार डालते, दो दिन पहले कोर्ट में चिन्ना को खत्म कर दिया होता। सुनो, तेरी सिंसियरिटी और वर्क डेडिकेशन हम में नहीं है क्या? जैसे कि तुझे ही प्राइम मिनिस्टर ने इस देश का भविष्य संभालने की बागडोर सौंपी हो। जिम्मेदारी क्या कोई सौंपने आएगा हम लोगों को? खुद अपने आप फील करके निभानी पड़ती है। अच्छा, इंडिया में तुम्हारे अकेले फील करने से कुछ नहीं होने वाला? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हर कोई यही सोच ले कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, तो आखिर संभालेगा कौन? हमारे बुजुर्गों ने भी अगर तुम जैसा सोचा होता तो भारत देश को स्वतंत्रता मिलती क्या?
दया करके मेरे सामने कभी ऐसी उल्टी बातें मत करना। तुम में दम है तो किसी की परवाह मत करो, नहीं है तो इस नौकरी से इस्तीफा दे दो, कोई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नौकरी ढूंढ लो। लेकिन ये खाकी वर्दी पहनकर डरपोकों की तरह बातें मत करो। मेरी बातें तुमको डरपोक वाली ही लगेंगी। तुम बड़े धैर्यशाली हो ना, तुम किसी को भी मार सकते हो, किसी से भी टक्कर ले सकते हो, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है ना। हाँ, मेरा कोई नहीं है, सच बोला कोई भी नहीं है। माता पिता के न होने का दुख था कभी मुझे, उनके ना होने की वजह से ही मैं हिम्मत से सिंसियरली अपना फर्ज निभाता हूं, तभी तो वो बॉस सॉरी यार, ये मतलब नहीं था मेरा। बॉस कोई नहीं का मतलब माता पिता से नहीं, बल्कि हम सब यही याद दिलाने के लिए ऐसा बोला था। उसे कुछ हो जाए तो मैं जी नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। Thank you.
एक दूसरे को हम चाहते हैं, चाहत में खोए रहेंगे। सीधों से बढ़कर ये तेरी बाहें, बाहों में सोए रहेंगे। आँखों में प्यार भर के लेकर खुशी तू आई, पाई जो तेरी संगत हर चीज मैंने पाई। के दिन दिन बढ़े शौक दीदार का, बंधन ये प्यार का संबंध है, ओ ये तो प्यार का। शरीर की नस नस में प्रजा सेवा है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तभी तो अपनी जायदाद दान में दे दी। प्रजा सेवा ही मेरा लक्ष्य सोचकर प्रजा की सेवा करूंगा। बहुत छोटे आदमी से आज मैं पार्टी प्रेसिडेंट बन गया हूं। पार्टी प्रेसिडेंट बन गया, पार्टी प्रेसिडेंट। अपेंडिसाइटिस पेशेंट है सर, इमीडिएटली ऑपरेशन करना है। कंट्रोल रूम फोन करके तुरंत बटालियन बुलवाओ। हाँ
मीटिंग करने की परमिशन है क्या? रूलिंग पार्टी के लिए परमिशन क्यों जी? ऊपर से कौन आ रहा है पता है? राधेश्याम जी, जाओ अपना काम करो जाओ। देखिए क्या हालत बना दी। एसपी ने आके परमिशन के बिना मीटिंग अरेंज की। हमने कह के हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को खूब मारा, सब उखाड़ कर फेंक दिया। कौन है वो एसपी? इतना भी डर नहीं उसको मुझसे? 5 मिनटों में उसे मेरे सामने आकर सॉरी कहना पड़ेगा, नहीं तो उसका मर्डर हो जाएगा। चुप दे, फिर दोबारा शुरू हो गए। अब आप गुंडे नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट है। चुप कर। ये भी बंद करना होगा। अब मैं आपका नौकर नहीं, आपका पर्सनल हूँ। उस एसपी को मेरे बंगले पर आके सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी पार्टी की मीटिंग शुरू होगी। मेरी मीटिंग खराब करने की हिम्मत किस पुलिस वाले में है सोच रहा था। देखो 6 साल पहले हमारे बीच मुठभेड़ हुई थी, तब मैं एक नामी गुंडा था, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अब मैं राजनीति के दाव पे सीकर राज्य का ही पार्टी अध्यक्ष बनकर यहाँ आया हूँ। अरे ये पुलिस वाले पॉलिटिकल लीडर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। बदन पर खाकी वर्दी पड़ते ही होशो हवास खो बैठते हैं, जब इन्हें ट्रांसफर चाहिए तो पैरों पर गिरते हैं, प्रमोशन चाहिए तो घर के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन बस एक आध घंटा रोड पर मीटिंग रख लो तो ट्रैफिक रूल समझाने लगते हैं। एहसान फरामोश डिपार्टमेंट, तभी तो वॉचमैन से लेकर वार्ड बॉय तक क्लास 4 लोगों की खाकी वर्दी ही होती है। आप 1 मिनट अंदर आएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए झुकना मत, उसका ट्रांसफर होना ही चाहिए। क्या है, बहुत ऊपर चढ़ के काना फूसी कर रहे हो? उस एसपी के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? कुछ नहीं होने वाला। बात करना चाहते हो? क्या बात है? यूनिफॉर्म की बेइज्जती करते हो? जहां चाहे वहीं टेंट डाल के मीटिंग रखने के लिए? ये रोड तुम्हारे बाप ने डलवाया है क्यों? तेरे जैसे गुंडों को पदवी देने की वजह से ही जनता का सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है। फिर कभी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला तो बजाड़ो। हे भगवान, जूतों के निशाने, खूब पिटाई की तुम्हारी। एमएलए बाहर है, एमएलए संभल के जाओ, संभल के। वो इनकी पिटाई करके गया है, मुझ पे गुस्सा उतारते हैं चोटते। वोट के निशान को ही वोट, वोट के निशान को ही हमारा वोट। सुनिए, समय हो गया है, लाइट बंद करके सो जाइए। ठंडा पानी ला, जल्दी जा। क्या है बे? इसे जेल समझाया या अपने ससुराल, या अपने बाप का घर समझाया जो ऑर्डर दे रहा है हमें? अरे चुप कर। सॉरी सर, उसका भाई रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है। जानता हूँ, ये कितना गुंडा मवाली जंगली जानवर है उसको भी मालूम है, तभी तो इसे नहीं छुड़ाता। उसे मालूम है इसे छुड़ाया तो महीने में उसका पत्ता साफ, तभी तो छुड़ाता नहीं। इस साले हकले को सेल में रख के खूब मारो। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर। न्यायालय आया सर, प्लीज सर, प्लीज मैं माफी चाहता हूँ उसके बदले, प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज सर, प्लीज। क्या कहता है मुझे
क्या काम? आपके अच्छे स्वभाव के कारण बाकी सजा रद्द करते हुए सरकार ने आपको रिहा करने का हुक्म दिया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। क्या बात है? बात करो तो असहयोग वर्ग के लोग हैं कह के हमारे लोगों को वो होम और सीएम बड़ा परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से बदला लेने के लिए उन्होंने हमारे सभी एमएलए के क्वार्टर्स पर रेडिंग भी करवाई। पार्टी प्रेसिडेंट बन गया हूं रे। तो क्या हुआ, छह साल में जेल में रहा। तुझे क्या भाई, खुशकिस्मत हो भाई साहब, पार्टी प्रेसिडेंट हो गए तभी तो उम्र कैद की सजा कम करवा के 6 साल में ही घर ले आए। तू क्यों बकता है? तू चीज क्या है? छोड़ो, जा कल सुबह मिलेंगे। तुझे कोई शर्म वर्म है? वो लोग कौन है जानते हो? हमारे ग्रुप के एमएलए हैं। ये सब नहीं जानता मैं। उस बोस का क्या? हाँ, उस बोस को तो मैं भी नहीं भूला, उसने तुझसे ज्यादा मेरी बेइज्जती की। मौके की तलाश में हूँ। मेरी बात मानो, कुछ दिन आराम से रहो। 6 महीने के अंदर अपोजिशन स्ट्रांग करके मैं सीएम बन जाऊंगा, फिर बाद में किसी अपोजिशन पार्टी के एमएलए का मर्डर करवा के वहाँ मध्यवर्गीय चुनाव करके तुझे वहाँ से जितवाऊंगा, मिनिस्टर बना दूंगा। उसके बाद उस बोस के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तुम फुटबॉल खेलना। हेलो, कौन? मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। मैं शिवराम बोल रहा हूँ। उस बोस का इस शहर में ट्रांसफर मैंने ही करवाया है। आपने? हाँ, मैंने। उसने मुझे पूना शहर में मारा था। वैसे लोग किसी पर गुस्सा आने से उसको किसी रेगिस्तान या कोई बैकवर्ड एरिया में ट्रांसफर करवा देते हैं, लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ। अपने दुश्मन को अपने पास बुलवा कर अपनी आंखों के सामने तड़पाता हूँ, लेकिन खत्म नहीं करता उसे। तेरे बोस की भी यही हालत करूंगा मैं, जान लिए बगैर मारूंगा। सैड न्यूज सुनाई तुम्हें, सॉरी भाई। फिर मिलेंगे हम, बोस की लाश पर फूल चढ़ाने आऊंगा, यानी तेरी बहन को विधवा बनाने के बाद। कौन था, कौन बोल रहा था? पूना में तूने राधेश्याम को मारा था? मारा था, तो क्या हुआ? फोन उसी ने किया था? हाँ, उसी ने तुम्हारा यहाँ बॉम्बे ट्रांसफर करवाया। मुझको जान से मार देगा कहा होगा, यही ना? ए, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बार समझाया तो सुधरेगा नहीं, क्यों? बता क्यों तोड़ा? फिर तोड़ा कुछ भी? बोल, नहीं तोड़ूंगा, बोल, नहीं तोड़ूंगा, बोल। अब कभी मैं नहीं तोड़ूंगा डैडी, नहीं तोड़ूंगा डैडी। छोड़ो, मेरा गुस्सा उस बच्चे पर क्यों दिखाते हो? चल बेटा। अरे मंत्री जी नहीं आए अब तक? उनका समय अभी नहीं हुआ, 5 बजे आएंगे। अभी क्या समय हुआ? 4:50। उसे 5 कर दो। अरे बाप रे, वो आ रहे हैं, चलो हम शुरू करते हैं पहले। मंत्री जी क्या इतना ये को झंडा लहराता है? तुम्हारी इन जलील हरकतों को पार्टी हाई कमांड तक पहुंचाऊंगा। ये क्या भाई, झंडा फहराना कोई बुरा काम है? मेरे होते तुम कौन होते हो झंडा फहराने वाले? क्यों, तुम अकेले झंडा फहराओगे? ऐसी असेंबली में घोषणा हुई है क्या? मैं मिनिस्टर हूँ, ये मत भूलो। छी, चुप करो। तुम्हें इस राज्य का मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं रहने दूंगा। कुछ ही दिनों में हमारे एमएलए बहुमत में आ जाएंगे, तुम सब लोग शेयर मार्केट जैसे एकदम डाउन हो जाओगे। मुझसे न टकराओ, मैं फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर हूँ। बे, मंत्री जी को बे कहता है? हाँ कहूँगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। ए,
खुद भी मरेगा, सबको मरवाएगा। ये देखो, तुम पुलिस वालों के बारे में खूब जानता हूँ जी। जो हुकूमत में होता है उसके तलवे चाट के उसकी चमचागिरी करते हो। अगर मैं मिनिस्टर होता तो मेरे आदमियों को मारते क्या? अब आगे कुछ भी बोला तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। मुझे मुझे कहता है उसे, नहीं तो क्या मुझे चोट्टा कहेगा? गुस्से में हो क्यों? कम से कम आज तो जल्दी आ सकते थे। क्यों, कुछ स्पेशल है आज? स्पेशल ही है, आज आपका जन्मदिन है भाई, थोड़ा जल्दी आ जाता तो क्या होता। विश यू हैप्पी बर्थडे। क्या यार, इतना बड़ा गिफ्ट ले आया तो? कहाँ से मंगवाया इसे? कोरिया से। चंद्रशेखर शर्मा आ रहे थे तो फोन पर फोन करके तुम्हारे लिए मंगवाया है मैंने बॉस। और तुम्हारा गिफ्ट? मम्मी मम्मी, डैडी को डांस नहीं आता कह के नयन चिढ़ा रहा है मुझे, देखो मम्मी। सच तो है, तुम्हारे डैडी को डांस नहीं आता। हाँ, मुझे डांस नहीं आता, डांस करना बड़ा काम है। और नहीं तो क्या, करके दिखाओ। डैडी डांस करो डैडी, प्लीज डैडी। मम्मी बोलो ना डैडी को, अंकल आप ही बोलिए ना, प्लीज डैडी डांस कीजिए, हमें देखना है, प्लीज डैडी डांस कीजिए ना, प्लीज डैडी डांस कीजिए ना। अरे करो यार, बोलना बहुत आसान है। अच्छा तो देखो, कदम रखो सनम हो ताल में हर हाल में, कम हो अगर मुकाबला हमसे तुम करो, टक टक टको टक टक टको, झूम लो ना टक टक टको टक टक टको, नाच लो ना दम है दो। जान मन जो भी कदम रखो सनम हो ताल में हर हाल में, कम हो अगर मुकाबला हमसे तुम करो, टक टक टको टक टक टको, झूम लो ना टक टक टको टक टक टको, नाच लो ना दम है दो। चलन
रिदम कमाल का है, क्या अदा वफा सनम कमाल का है। शर्म छोड़कर कदम बढ़ाओ जानम, मेरी नजर से नजर मिलाओ ओ जानम। शर्म छोड़कर कदम बढ़ाओ जानम, मेरी नजर से नजर मिलाओ ओ जानम। जाने मन जो भी कदम रखो सनम, हो ताल में हर हाल में तुम हो अगर मुकाबला हमसे तुम करो। तक 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 झूम लो ना, तक 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 नाच लो ना दम है दो। सनम हो ताल में हर हाल में तुम हो अगर तो बाबला हम से तुम करो। तक 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 झूम लो ना, तक 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 नाच लो ना दम है दो। डॉक्टर विजय बंसल आए हैं। अंदर भेजो। यस सर। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए, बोलिए। उन्होंने 25 लाख डिमांड किए हैं। कल सुबह पूरे 10 बजे वो मेरे घर आएंगे। रुपए नहीं दिए तो मेरे फैमिली मेंबर्स को मार डालने की धमकी भी दी है। कुछ नहीं कर सकता, मैं सब देख लूंगा, आप घबराइए नहीं। फिर उन्होंने, मैं कहता हूं पुलिस वालों पे भरोसा रखिए। बोलो। काली गाड़ी में कोई आया? आपके साहब हैं? हाँ हैं जी। वो घर में अकेले ही हैं या कोई और भी है? कोई नहीं, वो अकेले हैं। सच बता, कोई और नहीं है? कोई नहीं है। hey, stop that! रुक जाओ! Come on! Thank you.
वैसे ही दिल की बीमारी है, गर्म पानी से लो, ठंडे पानी से मत लो, समझाया? पर मेरी कहां सुनते हैं, वही बैड हैबिट। ऐसे बेकार प्लान बनाते हो, फिर परेशान होते हो। तू जाकर फोन के पास बैठ। ठीक है सर। अगर बॉस को हमारे आदमियों ने बता दिया कि हम नेक्स्ट लाइट्स नहीं राधे श्याम के आदमी हैं, गवर्नमेंट को गिरा के राधे श्याम को सीएम बनाने के लिए नाटक खेल रहे हैं, तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं और जो मेरे साथ असहयोग वर्ग में शामिल हुए सबको राजनीति छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा मंत्री बनने का चांस गया। हम बनेंगे, सब मंत्री बनेंगे। सेल में जो हमारे लोग हैं उनके बोलने से पहले तुम लोगों को मैं किडनैप करके, हमारे एमएलएस को नक्सलाइट्स ने किडनैप किया है बोल दूं, और सरकार को नोटिस भेज के जितनी गड़बड़ फैलानी हो फैला के पलटा भारी करेंगे। बस एमएलएस किडनैपिंग। एमएलएस किडनैपिंग के मामले में आपने क्या फैसला किया है? सरकार जनता की रक्षा न कर पाई तो क्या लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से विश्वास उठ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? रुक जाइए, आगे बताइए प्लीज। आप होम मिनिस्टर हैं जी, आपको क्या, आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो किडनैप हुए एमएलए तो मेरे ग्रुप के हैं, तभी तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये सब बेकार की बातें हैं। होम मिनिस्टर होने के नाते जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ। आप बहुत कर रहे हो। अगर कुछ करना चाहते तो अब तक उन नक्सलाइट्स को छोड़ के हमारे एमएलए को कभी का बचा लिया होता। सुनिए, सुबह होने के अंदर उनको नहीं छुड़ाया तो हमारे एमएलए को मार देंगे वो लोग। सर, एमएलए को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। नक्सलाइट्स को छोड़े बिना कैसे होगा सर? देखिए, ये आपके डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। सर, उन नक्सलाइट्स की डिमांड्स के आगे अगर सर झुकाया तो ये किडनैप ड्रामा हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा। कल किसी और को किडनैप करके वो कुछ और डिमांड्स हमारे सामने रखेंगे। मतलब नक्सलाइट्स को नहीं छोड़ेंगे? सुनो जी, हमारे एमएलएस पे मौत मारे जाएंगे। आप चिल्लाइए मत, हम प्राणों की बाजी लगा के आपके एमएलएस को बचाएंगे। कैसे बचाओगे? तुम पुलिस वालों को तो बुरी तरह खत्म कर रहे हैं वो लोग, दूसरे राज्यों में तेरे जैसे अफसर को तो मिनटों में उड़ा रहे हैं वो, खुद की रक्षा नहीं कर पाते, फिर हमारी रक्षा क्या करोगे? खुद को न बचा के नहीं मर रहे हैं हम, बल्कि राजकीय नेताओं को बचाने के लिए त्याग कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइट्स पैदा हुए क्योंकि आप जैसे लोग सत्ता में हैं, वो हमारी वजह से नहीं बने, याद रखिए। टेररिज्म पैदा हुआ आप राजनीतिक नेताओं के गलत रास्ते अपनाने के कारण, हमारी वजह से बिल्कुल नहीं, आप जान लें। बॉस। सर, हमारे डिपार्टमेंट पर भरोसा ना हो तो छोटे राजकीय नेताओं से लेकर चीफ मिनिस्टर के घर के दरवाजे तक हमको सिक्योरिटी के लिए क्यों रखते हैं सर? हमारी पुलिस सिक्योरिटी के बिना सिर्फ एक बार बाहर निकलने को कहिए। सर, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। बॉस, कम ऑन। क्यों होम मिनिस्टर साहब, आपने ये मीटिंग बुलवाई पुलिस वालों से मुझे नीचा दिखाने के लिए? डांट खाना, मुंह पर थुकवाना, बातें सुनना हम राजकीय नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं। नक्सलाइट्स को छोड़ेंगे या उन लोगों को जेल में रख के चिकन बिरयानी खिलाएंगे, हमको क्या लेना देना? मगर मेरे एमएलए मुझे मिलने चाहिए, अगर उन्हें नहीं छुड़वाए तो मैं असेंबली के सामने आत्महत्या करूंगा।
एमएलए को किडनैप किसने किया बोलो? नक्सलाइट्स ने। क्या सोच रहे हैं सब? हमारे नाम पर सेल में जो नकली नक्सलाइट्स हैं उनको छुड़ाने के लिए एमएलएस को किडनैप किया तूने, यह हमें मालूम है। भाई वाह, अपने आदमियों को मैं क्यों किडनैप करूंगा? अगर ये काम करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? राज्य में हलचल पैदा करके हंगामा मचाकर सीएम को उतार के तुम सीएम बन सकते हो। हमारा नाम बीच में रखे अपने फायदे की सोच रहे हो? तेरा छोटा भाई चिन्ना हमारे कब्जे में है, 24 घंटों की मोहलत देते हैं तुम्हें। तुम अपने एमएलएस के साथ मिलके किडनैप से हमारे ग्रुप का कोई संबंध नहीं है ये कह के कल शाम तक प्रेस मीट बुला के उनको नहीं बताया तो उसे उड़ा देंगे हम। अगर भाई मरे तो मरे, मुझे क्या, ये सोच के राजनीतिक बुद्धि अपनाई तो तुझे भून डालेंगे। प्राणों से ज्यादा प्रजा सेवा ही हमारा लक्ष्य है। ये क्या इतनी देर हो गई है? मैं तो तरस गया हूं दारू के लिए। उस राधे श्याम ने बोला था स्कॉच बॉटल भेजूंगा, अब तक भेजा क्यों नहीं? चौटे क्यों बे, तुझे स्कॉच की बॉटल चाहिए? अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, दूंगा एक तो कहोगे मारा है। देखो अपनी हद में रहो वरना क्या कर लोगे? राधे श्याम जी से कह दूंगा तो क्या? राधे श्याम को बोल लोगे तो मैं डर जाऊंगा। राधे श्याम तो गया काम से, बाहर बैठा अपना सर गिल 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 करके फोड़ रहा होगा। तुमने और उसने मिलकर ये नाटक किया है, भाइयों को पता चल गया है। मतलब नक्सलाइट्स? वो लोग आ गए क्या? क्यों नहीं आएंगे, घर में ही ताला लगा के बैठे रहेंगे क्या? उन्होंने आके खलास करेंगे करके वार्निंग दी है। राधे श्याम और तुम सब लोग मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, क्षमा मांगो, वरना AK-47 समय से तुम्हें ढिचकू 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 ढिचकू। राधे श्याम आउट, राम दयाल आउट। भाइयों से मिले? क्या बोले? तुझे सीएम बनाऊंगा बोले। क्या बोलेंगे? AK-47 कैसा होता है दिखाएंगे बोले। मैं और मेरे एमएलए मिलके नाटक खेल रहे हैं, हमें किसी नक्सलेट ग्रुप ने नहीं उठाया कह के उन भाइयों से माफी मांगते हुए आज ही अखबार वालों को बुला के घोषणा करने को बोला, नहीं तो मुझे मेरे साथ तुम सबको AK-47 से अब मेरा क्या होगा? मेरा इतना अच्छा गुड़ का व्यापार था, उसे छोड़ के क्यों इस इलेक्शन में खड़ा हुआ? भगवान क्या करूं, खड़ा हुआ तो खड़ा रहना था, तो क्यों जीता मैं देवा? जीता तो जीता, क्यों इस असहयोग वर्ग में शामिल हुआ और फंस गया? ए रामदयाल, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा बताओ? रामदयाल कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। क्या कुछ नहीं होगा? तुझे क्या मालूम भाइयों के बारे में? मुझे तो मालूम है ना, भाई लोग AK-47 से धनाधर उड़ा देते हैं। मेरी बीवी विधवा हो जाएगी भगवान, मेरे बच्चों से उसका पिता दूर हो जाएगा। मुझे जाने दो, ये राजनीति छोड़ के गुड़ का व्यापार ही करूंगा। असेंबली की कसम, मुझे जाने दो भैया, मुझे जाने। अरे चुप कर। नमस्ते राधे श्याम जी। अरे DCP आओ, हमारे चिन्ना को नक्सलाइट्स ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने वाले नक्सलाइट्स नहीं है साहब, ACP बोस है। चिन्ना को किडनैप करके इंस्पेक्टर शिवराम के वहां रख के ACP बोस आपसे नाटक खेल रहा है। मेरे भाई चिन्ना को ACP बोस ने किडनैप किया है और पैसों की मांग कर रहा है, कहके एक रिपोर्ट लिख कर दीजिए, उसके बाद मैं उसे देख लूंगा। किसी भी हालत में उनको हमारा पता नहीं मालूम पड़ना चाहिए।
Come on. Move. Move, I say. शिवराम रुक जाओ, छोड़ दें, शिवराम छोड़ दें, छोड़ दें, शिवराम, नो, नो, बॉस, शिवराम, मेरी कहानी तो खत्म हो रही, नहीं हिम्मत, तुम हिम्मत मत हारना, नो कंप्रोमाइज, नहीं कंप्रोमाइज, नहीं नहीं, बेटा बोस, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोच के घबराता था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। बेटा, तुम्हारे साथ रह के उसका क्या हश्र होगा नहीं सोचा।
मत, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बोल के रोता था। लेकिन उसे कुछ हो जाए तो हम अनाथ हो जाएंगे, उसने नहीं जाना, छोड़ के चला गया। शिवा शिवा छोड़ दे। टूट जाएगा अंकल। कोई बात नहीं, छोड़ दे। फिर तोड़ा कुछ भी? बोल नहीं तोड़ूंगा, बोल नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। अब कभी मैं नहीं तोड़ूंगा डैडी, नहीं तोड़ूंगा डैडी, अब कभी नहीं तोड़ूंगा डैडी। नयन, कोई बात नहीं, छोड़ दे बेटा। मुझे विश्वास है कि वो असली नक्सलाइट्स नहीं है, पक्के गुंडे बदमाश लगते हैं। राधे श्याम को देखते हुए लगता है एमएलएस के किडनैप में उसी का हाथ है। मुझसे आपको ऑपरेट कीजिए, हम काउंटर किडनैप करेंगे। उसके भाई का मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि नक्सलाइट्स ने ही किडनैप किया था चिन्ना को, और फिर हम लोग नक्सलाइट्स के रूप में राधे श्याम के पास जाके धमकी देंगे कि सच्चाई बयान करो, वरना उसके भाई चिन्ना को खत्म कर देंगे हम। वो डर जाएगा और हकीकत बाहर आएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर बॉस। राज्य के पार्टी प्रेसिडेंट राधे श्याम जी के छोटे भाई चिन्ना को नेक्सलाइट्स के नाम से आपने किडनैप करके 50 लाख की मांग की है, इसके पूरे सबूत हमारे पास है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? आपने अपने एरिया के ब्रॉथल हाउसेस को चेक किए बगैर नाइट पेट्रोलिंग को नेग्लेक्ट करके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका आपके पास क्या जवाब है? डीसीपी तेजस्वी की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर शिवराम और आप एक्यूज साबित हुए हैं। आई वांट योर एक्सप्लेनेशन। मिस्टर बोस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज एन इंक्वायरी कमीशन। हमारे सवालों का जवाब ना देकर इस तरह खामोश क्यों बैठे हैं? अब वो क्या बताएंगे सर, अगर पूछने पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं मतलब गलती का एहसास है। आई हैव मेंशन ऑल द फैक्ट्स इन माय रिपोर्ट। सर, वी शैल सबमिट आवर रिपोर्ट टुमारो। Until then, Mr. Bose should be kept under suspension. I am sorry, Bose. क्यों सर? सच नहीं बोल पाए इसलिए? बोला तो आपको भी दोषी साबित कर देंगे क्यों? पुलिस वालों से ज्यादा गुंडों को ही इस देश में सम्मान मिलता है। तभी तो एक गुंडे को बचाने के लिए सिंसियर पुलिस ऑफिसर शिवराम को मार के उसे भी दोषी बना दिया। मरने के बाद सबको भला कहते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए बलि चढ़ा शिवराम भला आदमी होकर भी समाज की नजरों में बुरा बन गया। बचपन में ही सबको खो बैठा था मैं,
मुझको अपनों से प्यार देने वाले शिवराम की मौत का मैं कारण बना। उसी के सहारे जी रही उसकी मां और उसकी बीवी को मैं क्या जवाब दूंगा? अंकल, मेरे डैडी को जब मार रहे थे तो तुम चुपचाप देखते रहे? ऐसे भोलेपन से शिवराम के बेटे ने मुझसे पूछा तो क्या बोलूंगा मैं? कैसे सामना करूंगा उनका? चुप हो जाओ, ये सब राधेश्याम के ग्रुप का काम है, जानकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बोस। हमारे पास सही सबूत नहीं है, तभी तो। कैसे सबूत सर? एमएलएस को किडनैप करके शिवराम को मारने वाले कौन है सबको मालूम है। सबूत एविडेंस कहकर डिपार्टमेंट के लोगों ने छोड़ दिया, मगर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या करना है मैं जानता हूं। एए, चल बाहर। एमएलएस कहाँ हैं? जिन्ना को बोल देना एमएलएस को नहीं छोड़ा तो दुनिया से उड़ा दूंगा। बेटा, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं। बेटा, हम इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। बेटा सुनो, बेटा इन झगड़ों के कारण अपने बेटे को खो चुकी हूं। अब हम सबका तू ही सहारा है। उस चिन्ना से मुझे बहुत डर लग रहा है। दुनिया से हमें क्या लेना देना, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वहां दाल रोटी खा के जी लेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। बेटा जरूर जाएंगे, हमारी आंखों के सामने मर्डर्स हो रहे हों, हमारे घर के बगल में बलात्कार हो रहे हों, तो भी हम खामोश रहेंगे। साथ वाला मर रहा हो तो भी हम चुप रहेंगे। कहीं हम दूर जाकर सब दरवाजे बंद करके बस हम, सिर्फ हम अकेले सुखी होकर रहेंगे, डरपोक बन के चले जाएंगे। जब से भैया की मौत हुई है, मां बहुत भयभीत हो गई हैं। आप तो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं डरते। यानी चिन्ना जैसे गुंडों से और उनके पीछे जो करप्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे डर के भाग जाए क्यों? नो कॉम्प्रोमाइज। अगर मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ है तो जाओ। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? दुख में सुख में हम सब आपके साथ हैं। ए, क्या हुआ? वो बोस एमएलएस को कहां छुपाया? पूछ रहा था। बताया तूने? कहां छुपाया मुझे पता नहीं ना। अगर पता होता तो बता देता तू। आ!
मुझे मान गए। जान चली जाएगी सोच के भी तो नहीं डरता। डेफिनेटली यू आर ग्रेट। मेरे पर हाथ उठाया तूने, छह साल में जेल में रहा तेरी वजह से। नर्क कैसा होता है वो बिना मौत के दिखाऊंगा। उस नर्क से मुझे बचाओ कह के मेरे पैरों पर गिर के भीख मांगेगा तू। मुझे खत्म कर दो, मार दो, के विनती करेगा तब मारूंगा। देख मुझे जीवित बाहर मत जाने देना, चाहे कुछ भी कर ले, मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। एमएलएस के बारे में पता चला? सुनिए, आपको रेस्ट करने को कहा है। मिले कि नहीं? चिची, कोई हाथ में आए तो आत्मारा करके छोड़ दे जाएगा। अब देखो वो बहुत सारा बच गया। अब हमने उन एमएलएस को ना छोड़ा तो वो इनको पकड़कर बहुत टॉर्चर करके सच उगलवाएगा। सच ना बोला तो ये मरेंगे, बताए तो हम मरेंगे। फंस गए तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। छोटे किसको जीना है किसको मरना है तू ही फैसला कर ले। चिन्ना स्वामी मुझे मत मारो, ये बात मैं किसी से नहीं बोलूंगा। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए। चिन्ना साहब प्राणों की भीख दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चिन्ना साहब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए चिन्ना साहब, चिन्ना साहब। अरे जल्दी चलो भाई। भाई मैं एमएलए हूँ, भगवान तेरा भला करे। अरे तेरे प्यार पड़ता हूँ भाई, गाड़ी जल्दी भगाओ।
सर एमएलएस यहां पहुंच गए। हेलो ममता, बेबी को लेकर तुम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। क्या बात है, क्यों ऐसे आप? हाँ ममता, ममता से तो एक बात बोल देना, बोलेगी ना तू? अगर नहीं छोड़ा तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी मुझे ला दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ममता, राधेश्याम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे, राधेश्याम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। ए, उस बच्ची को बाहर लाओ। अरे जल्दी ले आओ रे। तेरी बच्ची तुझे चाहिए तो एमएलएस को हमारे हवाले कर दो। आज बेटी के लिए ही सही तुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नो कॉम्प्रोमाइज। Daddy!
बेबी कहाँ है? नहीं मालूम। बोल। Daddy?
ममता मैं चलूं।